Bismillahirrahmanirrahim. welcome to joyous online classes student now it's time for a math today we start lecture number 17 and our topic is indices first of all we know about the indices definition any expression written as a raised to the power n is defined as the variable a raised to the power of the number n एन इज़ कॉल्ड अ पावर एन इंडेक्स और एन एक्सपोनेंट ऑफ ए देखें तीन इन चीज़ों का हमने एक्सप्लेन किया है तीनों का मीनिंग सेम है हमारे पास जो एन है ये पावर भी है इसको पावर भी कह सकते हैं इंडेक्स भी कह सकते हैं और हम इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं तीनों का सेम मीनिंग है फॉर एक्ज़ाम्पल वियर एन इज़ अ पॉजिटिव होल नंबर तो ए रेज टू दार वन ए रिज टू दी पार टू इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाई वर टू इट मीन्स ए टू टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और ए रेज टू दार थ्री मीन्स ए मल्टीप्लाईवर ए मल्टीप्लाईवर ए मतलब ए जो है हमारे पास थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है एंड ए रेज टू दार एन मीन्स एन टाइम मतलब इंफिनिटी को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास एंथ नंबर जब भी हमने किसी को बताना होता है कि कोई उसकी लिमिट नहीं है अनलिमिटेड है तो फिर वो हमारे पास एंथ टाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है ओके okay? हम इसको एक और आ, इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे ताकि मज़ीद एक्सप्लेन हो जाए आपको वट इज़ एन इंडेक्स नंबर यू शुड नो दैट एट मल्टीप्लाई बाई एट मल्टीप्लाई बाई एट मल्टीप्लाई बाई एट इज इक्वल टू एट रेज टू दार्ट सिक्स विच से एट टू दावर ऑफ सिक्स ऐसे भी कह सकते हैं एट रेज टू दार्ट सिक्स भी कह सकते हैं द पावर ऑफ सिक्स इज़ एन इंडेक्स नंबर द प्लूरल मोर देन वन मतलब प्लूरल वही होता है ना ऑफ इंडेक्स नंबर इज़ इंडिसेस तो इंडिसेस क्या है हमारे पास इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म है हैंस इंडिसेस आर इंडेक्स नंबर विच आर पावर्स द नंबर एट इज़ द बेस नंबर ओके एट इसमें बेस है और सिक्स क्या है इसकी पावर है जिसको हम पावर भी कह सकते हैं इंडेक्स भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी इसके हम और एग्जाम्पल लेंगे बेस एंड इंडेक्स बेसिक आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब ये आपके पास क्लियर होगी तो हम इस आगे चलेंगे इसके आगे फिर हम लॉज को डिस्कस करेंगे और लॉज के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे पास कोई भी वैल्यू आती है उसमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं मतलब ए बी सी डी भी हो सकता है एक्स वाई जी की पावर में भी आ सकता है और हमारे पास रियल नंबर्स की भी पावर्स हो सकती हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में है फाइव रिस्टू दिपा टू द लिटल नंबर टू इज़ कॉल्ड द इंडेक्स और पावर एंड टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स टू मल्टीप्लाई आउट द बिग नंबर फाइव और फाइव इसमें क्या है द बिग नंबर फाइव इज़ कॉल द बेस एंड इज दैट वी मल्टीप्लाई टूगेदर फाइव डेज टू दू मीन फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव नॉट फाइव टू द टेन ठीक है फाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ओके लॉज ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे पास अभी जो है हम इस लेक्चर में थ्री लॉज को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट लॉ हमारे पास है कि जब हमारे पास बेस सेम होगी मीन ए रेस टू दार एम मल्टीप्लाई बाय ए रेस टू दार एन है देखें इसमें बोथ में हमारे पास पावर्स जो हैं वो चेंज है ए की पावर एम है एक की पावर एन है बट इनकी जो बेस है वो सेम है जब हमारे पास बेस सेम आएगी आपने माइंड में ये रखना है कि जब हमारे पास बेस सेम होगी तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी बेस को हम कॉमन ले लेंगे वन टाइम लिखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे ये हमारे पास है लॉ वन फर्स्ट लॉ है इसका इंडिसिस का सेकेंड लॉ है हमारे पास डिवाइड दि, डिवीजन पर है जब हमारे पास बेस सेम हो और हमारे पास इंडिस जो है वो उसके डिफरेंट हों लेकिन उसमें हमारे पास ऑपरेशन कौन सा इन्वॉल्व हो रहा हो डिवीजन का तो हमारे पास क्या होगा जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हम उसकी पावर्स को ऐड कर रहे थे वहीं पर उसकी पावर्स में जो है हम उसको माइनस कर लेंगे क्लियर हो गया इसका फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है ए रेस्टू दम एंड एन मतलब डबल पार आ रही है टू एक्सपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं पहले ए की का एक्सपोनेंट एम है और होल का एक्सपोनेंट फिर एन है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्लियर हो गया ये हमारे पास एम मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा ए रेस टू दम मल्टीप्लाई ये थ्री लॉज हैं इन्हीं लॉज को आज हम इसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट जी हमारे पास कंप्लीट लॉज हैं इसके जो हमारे पूरे चैप्टर नंबर फोर में इन्वॉल्व होंगे लेकिन अभी हमें इसकी हाँ एग्ज़ाम्पल्स के साथ फर्स्ट थ्री लॉज को हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ जैसे मैंने अभी बताया आपको बेस सेम है हमारे पास ए रेस टू दार एन मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू दार एन तो हमने क्या किया इनके पावर्स को ऐड किया फॉर एग्जाम्पल टू रेस टू दार फाइव मल्टीप्लाई बाय टू रेज टू दार थ्री है तो टू इसमें कॉमन है बेस सेम है हमारी तो टी टू हमने कॉमन ले लिया पावर्स को हमने ऐड किया फाइव प्लस थ्री तो हमारे पास आंसर क्या आ गया एट सेकेंड लॉ हमारे पास क्या था कि बेस हमारे पास सेम होगी और पावर्स चेंज होंगी इनकी तो और डिवीजन का साइन होगा तो हम इसकी पावर्स को माइनस करेंगे तो अब इसमें बेस हमारे पास दोनों में फाइव है फाइव कॉमन आ गया तो सेवन माइनस थ्री हमारे पास आ गया आंसर फोर थर्ड लॉ जो अभी हमने डिस्कस किया है वो ए रेस्ट टू दि पार एम इंटू एन मतलब डबल पावर आ रही है और आपस में उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन रेस टू दि पावर थ्री मल्टीप्लाई इंटू सेवन है तो हमने क्या करना है टेन की पावर थ्री को सॉल्व नहीं करना टेन एज इट इज रहेगा और जो इंडिसिस का क्योंकि लॉ अप्लाई हो रहा है तो हम सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री करके ट्वेंटी वन करेंगे ओके okay? आगे फर्दर इसके हम लॉज हैं इसको बाद में डिस्कस करेंगे ए रिज टू दीपर जब पावर वन होगी तो वो ए के इक्वल एक होगा इस तरह ए की पावर जब जीरो होगी तो वो वन के इक्वल होगा हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे ओके जी हाँ भी हमने इन लॉज को ये भी डिस्कस करेंगे और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर फोर ए क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर आर अप्रोप्रिएट इसके बी एंड डी पार्ट आज करेंगे हमारे पास बी पार्ट है माइनस फोर एस टू दार सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर एज टू दार फाइव अब यहाँ पर देखें कौन सा लॉ ऑफ हो रहा है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ हो रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ कौन सा ये देखें ए रेज टू दार एम मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू दार एन तो हमारे पास क्या करते हैं हम ए कामन आ गया और एम प्लस एन क्लियर हो गया हमारे पास इसमें ए क्या है माइनस फोर माइनस फोर कॉमन लिया मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाएंगी उसकी ऐड हो जाएंगी तो सिक्स प्लस फाइव हमारे पास इलेवन हमारे पास सॉल्व मीन हमने इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना तो क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है आप लिखोगे इसका आंसर आ जाएगा लेकिन हमारे पास क्या करना है हमने इसको इंडेक्स न्यूटेशन में ही इसका आंसर लेकर आना है ओके हमारे पास आंसर किस में चाहिए इंडेक्स न्यूटेशन में क्लियर हो गया सेकेंड इसका पार्ट है डी पार्ट थ्री वाई स्केयर मल्टीप्लाई बाई एट वाई की पार्ट सेवन हमारे पास जहाँ पर क्या है देखें मल्टीप्लीकेशन का साइन आ रहा है और बेस हमारे पास सेम आ रही है बेस भी हमारे पास वाई सेम आ रही है बट हमारे पास इसका जो कॉफी हैं थ्री मल्टीप्लाई एट हम इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई बाई एट और आगे वाई हमने कॉमन ले लिया जब वाई हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास वाई की पावर्स ऐड हो जाएंगी टू प्लस सेवन ठीक है और थ्री एट मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर हो गया और वाई की पावर नाइन आ गया क्लियर हो गया बेटे सिंपल सा लॉ है कि जब हमारे पास देखें वेरिएबल ये कॉफिशियंट चेंज थे बट उसके वेरिएबल जो आगे उनके पास जिसके जिसके ऊपर एक्सपोनेंट था हमारे पास इंडस्ट्रीज किसके साथ इन्वॉल्व होता है जिन पर एक्सपोनेंट होता है ऐसा ही है ना तो हमारे पास जो इन पर एक्सपोनेंट है वो सेम है वाई दोनों तरफ सेम है हमारे पास तो सेम वाई हमने कॉमन ले लिया और उसकी पावर्स को हमने ऐड कर लिया तो हमने अभी फर्स्ट लॉ को ही डिस्कस कर रहे हैं ओके क्वेश्चन नंबर टू है ईच ऑफ द फॉलोइंग दिविंग योर आंसर इनडेक्स न्यूटेशन वी आर अप्रोप्रिएट बी पार्ट है हमारे पास अब देखिए यहां पर हम कौन सा लॉ अप्लाई करने लगे हैं सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ हमारे पास कौन सा था ए रेज टू डिवाइडेड बाय ए रेज टू दी पार एन किसके इक्वल होता है हमारे पास ए कॉमन आ गया और एम माइनस एन क्लियर हो गया जब डिवीजन का साइन आएगा और हमारे पास बेस सेम होगी तो हम उसके इंडेक्स को माइनस कर देंगे देखें हमारे पास डिवीजन है तो हमने क्या किया बेस जो थी इसमें माइनस सेवन उसको कॉमन ले लिया और हमारे पास जो पावर्स थी इंडेक्स या एक्सपोनेंट्स जो थे इलेवन माइनस फोर करके हमारे पास आंसर आ गया ओके okay? डी पार्ट है इसका माइनस फिफ्टीन वायर एज टू दार नाइन डिवाइडेड बाय फाइव वायर रेस टू दार फोर जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास जो चीज़ जिसके इंडेक्स है वो देखें सेम है तो हमने कॉफिशंस को क्या किया डिवाइड हो रहा है तो माइनस फाइव डिवाइड बाई फाइव करके कर पहले मल्टीप्लीकेशन में कहा हो रहा था तो मल्टीप्लाई किया अब कॉफिशंट्स को हमने इसके क्या किया इनके कॉफिशंस को डिवाइड कर लिया वाई जो हमारे पास की एक्सपोनेंट थी वो सेम था तो वाई कॉमन लेके उसकी जो पावर थी एन माइनस फोर किया तो हमारे पास आगे उसका आंसर आ गया क्लियर हो गया और ये हमारे पास उसकी ये लॉ है कि जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हम उसकी पावर्स को माइनस कर लेते हैं ओके okay? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थ्री ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन डेक्स वी वेयर अप्रोप्रिएट अब हमारे पास यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है ए रेज टू इन टू एन डबल पावर आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं एम मल्टीप्लाई बाय एन एक कॉमन वैसे रहने दिया और इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या देखें क्या यहीं पर अब यही हमने लॉ अप्लाई किया है तो हमारे पास एच एज इट इज़ रहा और फाइव मल्टीप्लाई बाई टू किसके को लो गया टेन के क्लियर ये देखें हमने यही वाला लॉ को अप्लाई किया है जैसे और आगे हम ये वाला लॉ भी अप्लाई करेंगे जिसमें हमारे पास बेस चेंज होगी और पावर सेम होगी ठीक हो गया देखें अगे हम आ, इसको ये भी बहुत सिंपल है देखें इसमें हमारे पास पावर सेम है और हमारे पास इसकी बेस चेंज है तो हमने क्या किया पावर्स को कॉमन ले लिया और बेस जो थी उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास आके लॉ हम इसको यूज़ करेंगे देखें हमारे पास टू रेस टू दार थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइन रेस टू दार्ट थ्री है तो इसका डी पार्ट में हमारे पास ये रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर हमारे पास बेस चेंज है बेस चेंज है मतलब ए रेस टू दार एन मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू दी पार एन अब हमारे पास क्या है यहाँ पर बेस चेंज है और पावर सेम है तो हम क्या करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी करके उसके जो पावर है उसको कॉमन ले लेंगे ये वाला हमारे पास पे रूल अप्लाई होगा तो ये हमारे पास टू मल्टीप्लाई बाय नाइन और उसकी पावर को हमने कॉमन ले लिया तो हमने इंडेक्स नोटेशन में अपने आंसर को देना है फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना ओके एफ पार्ट में भी हमारे पास क्या है माय अब ये देखें यहाँ पर हमने ये जो पावर है ये होल पर पावर आ रही है यहाँ पर एक डिफरेंस है चेक करें इसको ये जो फ़ोर है ये पहले एक्स की पावर सिक्स है वाई की पावर टू है तो पहले हम इसको सेपरेटली सब पर अप्लाई करेंगे हम क्या करेंगे इसको सेपरेटली सब पर अप्लाई करेंगे कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे इसको ये देखें ये यहाँ पर हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस थ्री टू दावर फोर एक्स सिक्स इंटू फोर और वाई स्केर इंटू फोर हम इस पर सेपरेटली अप्लाई करेंगे और यहाँ पर थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है सिक्स फोर ज़ार ट्वेंटी फोर में कन्वर्ट हो जाएगा और फोर टू ज़ार एट में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस थ्री की पार फोर जो है वो एटी वन में कन्वर्ट हो जाएगा ओके okay? क्लियर हुआ एक्सरसाइज नंबर फोर ए का होमवर्क बेटे क्वेश्चन नंबर वन के रिमेनिंग पार्ट्स ए सी हैं क्वेश्चन नंबर टू के रिमेनिंग पार्ट्स ए सी और क्वेश्चन नंबर थ्री के ए सी ई e, पार्ट हैं आप इसके लॉस को बार बार देखोगे और इसके आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे बहुत सिंपल और बहुत ही टू द पॉइंट जो है क्वेश्चन ये सॉल्व होने वाले हैं थैंक यू बेटे अल्लाह